नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने कुछ दिल की बातें, कुछ ऐसी लाइंस पेश करना चाहती हूँ जो मेरे जैसे उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी मेरे साथियों के लिए जिन्होंने 2018 आरएएस का एग्ज़ाम दिया था और अभी तक 2021 आ चुका है जनवरी, और अभी तक जिनका इंटरव्यू नहीं हो पाया है और अफसर बनने के ख्वाब में हमने अपने 3 साल इस एग्ज़ाम को दे दिए हैं, तो वही मनोदशा जो हमारी चल रही है इस वक्त, तो उस पर कुछ लाइंस मैं आपके सामने लेके आई हूँ, तो गौर फरमाइएगा। तारीखों के मकर जाल में कब से उलझती सी जा रही हूँ, अफसरी के ख्वाब में एक बेटी न जाने कब से जाग रही है। तारीखों के मकर जाल में उलझती सी जा रही है, अफसरी के एक ख्वाब में बेटी कब से जाग रही है। अखबारों से वह इतनी चिर परिचित हो चुकी है कि अपने घर को छोड़कर देश दुनिया का सब पता है। किसानों से लेकर अमेरिका तक, दिल्ली से लेकर कोरोना के टीका तक, ज्ञान के महासागर में एक मोती की आस में अरसों से गोते खा रही है अफसरी की ख्वाब में एक बेटी न जाने कब से जाग रही है। बड़े अरमानों से कोट का रंग चुना था मैंने, परिचय रटने में ही पूरा हफ्ता लगा दिया था, जिले की तो हर गली छान मारी थी और राजस्थान पे तो न जाने कितनी पोथियां पट डाली थी, बट अब पुराने फैक्ट्स फिर से अपडेट कर रही है। अरमानों की वो खूंटी पर टंगा वह कोट अब धूल खा रहा है। अफसरी के एक ख्वाब में एक बेटी न जाने कब से जाग रही है। मोक दे देकर मोक्ष के निकट हो आई थी, जाने किस मुहूर्त में मेंस का रिजल्ट आया। यही इन्हीं विचारों के साथ हर रात अनमनी सी होकर सोया करती है और फिर सुबह फिर उसी उम्मीद से बिखरे सपने फिर से संजोया करती है। तारीख के इंतजार में एक एक दिन युगों सा काट रही है अफसरी के ख्वाब में एक बेटी न जाने कब से जाग रही है। तो धन्यवाद आकांक्षा जी इतनी सुंदर कविता लिखने के लिए, और ये कविता वो सब एस्पिरेंट समझ सकते हैं जिन्होंने आरएएस 2018 दी है, प्री पास की है, मेंस पास की है और अब इंटरव्यू देने के लिए, अफसर बनने के लिए कब से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू की डेट बार बार पोस्टपोन्ड हो रही है और 3 साल से हम एक ही उम्मीद में जिए जा रहे हैं। तो ये सब लाइन्स इसलिए कि कोई भी हिम्मत नहीं हारे, हम सब एक जैसे ही हैं और एक दिन अपने सपने ज़रूर पूरे होंगे। थैंक यू वेरी मच।